हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, तो हम सभी जो है अपने घरों में दीवे जो है तेल के भर के जलाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दीवे पर आर्टिफिशियल लाइट जलाकर भी कैसे अपने घर की छत को डेकोरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम दीवे पर आर्टिफिशियल लाइट कैसे बना सकते हैं और घर की छत को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर कुछ हैं दीवे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मुझसे सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आपके पास मेरी उस नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे उस वीडियो से बेनिफिट उठा पाए। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर कुछ दीवे हैं और यहाँ पर जैसे देखिए, आप देख रहे हैं दीवे का मुंह भी बना हुआ है। बहुत से दीवे ऐसे जिनका मुंह बना हुआ है, कुछ दीवे ऐसे पाएंगे आपको जैसे इनका मुंह नहीं बना हुआ है, सीधे गोल है ये। तो आपको दीवे लेने हैं, इस मुंह से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दीवों में कुछ इस तरीके के होल कर लेने हैं, जैसे आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, जैसे दीवे में देख रहे हो आप एक होल होया हुआ है, आपको ये होल कर लेना है। अब ये होल कैसे करोगे इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेना है एक छोटा पेचकस और कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है दीवे पे। मान लीजिए जिस दीवे का मुंह बनाया हुआ है, उस दीवे के मुंह वाली साइड आपको थोड़ा सा पेचकस ऐसे प्रेशर देकर थोड़ा सा राउंड करना और यहाँ पर होल हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से। तो मैं एक बार सभी दीवों में जो है होल कर लेता हूँ एक बार। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल मुझसे सीखो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार मैं सबसे पहले इन दीवों में जो है होल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पर सभी दीवों में होल मैंने यहाँ पर कर लिए हैं और मुझे अब चाहिए एक लड़ी, जिस यहाँ पे आप लड़ी देख रहे हैं इसको कहते हैं राइस जेल लड़ी। ये आपको बाजार में 15 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगी, 15 फुट इसकी लेंथ होती है। तो हमें क्या करना है, इसका एक बल्ब लेना है, लड़ी का एक बल्ब लेंगे, इस होल में से हम आर पार करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हम आर पार करेंगे और यहाँ पर जो है हम इसे ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस बल्ब को एलईडी जो हमारा लड़ी का जो बल्ब है वो ग्लू गन की हेल्प से मैं इधर चिपका देता हूँ। यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं जो होल है, जो हमारी ग्लू है, सबसे पहले मैंने उस होल को ग्लू से भरा है और उसके बाद जो हमारी लड़ी की जो तार है उस पर मैं थोड़ी सी ग्लू गिरा रहा हूँ ताकि वो भी जो है हमारे दीवे से चिपक जाए। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा बल्ब जो है चिपक जाएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर रहता तो किनारे से भी जो है ग्लू को दीवे के किनारे पर थोड़ी सी लगा दीजिए और बाद में इस बल्ब को प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हमें सभी दीवों को लड़ी को चिपकाना है। तो एक एक बल्ब लेंगे हम और एक एक दीवा लेंगे और बल्ब को जो है नीचे से निकाल के कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से, ग्लू की हेल्प से इसको चिपका देंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, देखिए बिल्कुल बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये चिपक जानी है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारी चिपका रहा हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ी बनाने में मेहनत थोड़ी लगेगी, लेकिन दोस्तों लड़ी बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखने वाली है ये लड़ी हमारी। अगर हम इसे घर की छत पर लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर हमारा घर दिखेगा, ऐसे लगेगा जैसे हमने तेल के दीवे ही यहाँ पर लगा रखे हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और आपको मेरी ये लड़ी कैसी लगी इस बारे में कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक एक बल्ब ले रहा हूँ लड़ी का और साथ में एक एक दीवा ले रहा हूँ, नीचे की तरफ से बल्ब को होल में से पास करता हूँ और ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर चिपका रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मुझे लगने वाला हो, प्लीज़ वेट कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मैंने कर दिया है ताकि आप लोगों का डाटा और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो इस वक्त फास्ट है, आप प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को, ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो। एक एक करके मैं यहाँ एक एक बल्ब ले रहा हूँ लड़ी का और एक एक दीवा ले रहा हूँ और ग्लू गन की हेल्प से उसे चिपका रहा हूँ दोस्तों।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है सभी बल्ब दीवे में चिपका दिए ग्लू गन की हेल्प से। अब मैं इसको लड़ी को आपको चसा कर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लड़ी को चसा के दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको दिखने वाली, ये चसबुस नहीं करती है, डायरेक्ट चसेगी। एक बार मैं आपको इस लड़ी का जो ये प्लग है हमारा, एक बार इसको मैं आपको सही से सेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको पहले एक बार लड़ी को मैं एक्यूरेट कर देता हूँ, इस लड़ी को एक साथ इकट्ठा कर देता हूँ। ये मैंने आप देखिए बल्ब मैंने किस तरीके से चिपकाए हैं, सारे बल्ब कुछ इस तरीके से चिपके हैं। उसके बाद मैं लड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेता हूँ, जो प्लग हमें बिजली में लगाना है तो मैं इसको बिजली में लगाता हूँ। और ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखता है दोस्तों। मैं इस लड़ी को आपको एक बार दूर से भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको ये देखिए दूर से दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आप इसे घर पर लगाते हो तो बहुत ही अच्छी लगेगी, घर की छत पर आप इसे लगाइए लाइन वाइज हर एक दीवे को, बहुत ही सुंदर दिखेगी। अब भी आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैंने तेल के दीवे यहाँ पर जला रखे, लेकिन दोस्तों तेल के दीवे नहीं हैं, लड़ियाँ हैं। लड़ी मैंने जो दीवे में अभी आपको डेकोरेट करके दिखाई है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको नई वीडियो और नई जानकारी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लड़ी दिख रही है दोस्तों।